आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज एनी टाइम। इस वक्त खबर जलगांव जिला के रावेर शहर से। रावेर शहर में बहुजन क्रांति मोर्चा की ओर से किया गया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली एनपीआर प्रक्रिया के विरोध में इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। इस समय श्री नितिन गाढ़े, शेख इरफान, साहेबराव वानखेड़े, शेख गयासुद्दीन निसार खान, मुस्तकीम शेख, शेख शफीउद्दीन आदि रहे प्रमुख रूप से उपस्थित। आदाब, जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनी टाइम। हम इस वक्त रावेर तहसील के कार्यालय पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन को कवर कर रहे हैं। नितिन सर, आपसे एक सवाल है कि जो आपका मकसद है यहाँ पर बैठने का, वो किस चीज़ को लेकर है? सबसे पहले आपको धन्यवाद। बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से पूरे भारत देश भर में आज हर तहसील में ये धरना आंदोलन बोल दिया है, तो भारत देश का एक हिस्सा रावेर तालुका में भी हम लोगों ने बहुजन क्रांति मोर्चा के माध्यम से ये धरना आंदोलन बोल दिया है। और ये समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना। आज का हमारे यहाँ पे बहुजन क्रांति मोर्चे की तरफ से धरना आंदोलन है, और ये आंदोलन का मकसद है कि जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर 1 अप्रैल से एनपीआर शुरू होगा, इसकी घोषणा की गई है, तो न्यूज़ एनी टाइम की तरफ से हम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तरफ ये निवेदन देना चाहेंगे कि जिस जैसे पिछले 2010 के अंदर एनपीआर हुआ था पूरे मुल्क के अंदर, वही कंडीशन के ऊपर आज भी एनपीआर किया जाए। अभी जो सरकार ने कुछ कंडीशन बढ़ा दी गई है, जिसके अंदर पूर्वजों के जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। अभी ये जन्म प्रमाण पत्र तहसील में है ना, पंचायत में है ना, नगर पालिका में है ना, पंचायत के अंदर है। लोग चक्रे मार रहे हैं, उनको अपने पूर्वजों है इनको दिखा नहीं रहे हैं। तो हमारी मांग ऐसी। सर, आपका क्या कहना है दिल्ली की घटना के बारे में? दिल्ली में जो ये दंगे फसादात हुए हैं उसमें सभी लोग ऐसे मारे गए हैं कि इंसानियत को उससे शर्म महसूस होती है। लेकिन अफसोस कि वहाँ की पुलिस ने जो है बर वक्त कार्रवाई नहीं की। जिन लोगों ने भड़काऊ भाषण दिए थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, वो अभी आज़ाद हों।